मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रचेगी इतिहास, होगा भव्य स्वागत, भाजपाइयों की उड़ी नींद। जी आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मेगा शो बनाने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है और इसके साथ ही राहुल की यात्रा का 2 से 6 मार्च तक कार्यक्रम जारी हो गया है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आगमन 2 मार्च को दोपहर 1:30 बजे मुरैना में होगा। बता दें, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने यात्रा की जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा के दौरान दोपहर 2 बजे ध्वज सौंपने का समारोह मुरैना के जेपी ढाबा पिपरई में होगा। इसके बाद अंडर ब्रिज के पास मुरैना में रोड शो एवं स्वागत कार्यक्रम होगा। आपको बता दें, न्याय यात्रा का रोड शो और ग्वालियर शहर में स्वागत 4 शहर का नाका पर होगा, जो जीरा चौक तक होगा, जहां राहुल गांधी का संबोधन होगा। इसी के साथ आपको बताते चले कि राहुल गांधी यात्रा की शुरुआत 3 मार्च को अग्निवीर पूर्व सैनिक संवाद के साथ करेंगे। न्याय यात्रा का सुबह 8:30 बजे घाटी गांव में स्वागत होगा और सुबह 10 बजे मोहाना गांव में स्वागत होगा और इसके बाद दोपहर 11:30 बजे मोखेड़ा में आदिवासी संवाद होगा और दोपहर 12:30 बजे सातनवाड़ा में न्याय यात्रा का स्वागत होगा। वही सातनवाड़ा में दोपहर भोज होगा और इसके बाद दोपहर 2 बजे बाबू क्वार्टर शिवपुरी से झांसी रोड तिराहा तक रोड शो होगा। शाम 4 बजे कोलारस में, शाम 5 बजे लोकवासा में न्याय यात्रा का स्वागत होगा। शाम 6:30 बजे बदरवास में राहुल गांधी संबोधन करेंगे और इसी के साथ रात्रि विश्रामेश्वरी बदरवास में होगा। यानी कि आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचने से पहले ही सारे शेड्यूल बन चुके हैं और राहुल गांधी के न्याय यात्रा का बस इंतजार हो रहा है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।